Hello and welcome to this video on random numbers in Python. If you are new to this channel, subscribe it and press the bell icon to receive notification of latest videos. So let's begin. What is random number? A random number is any unpredictable number generated from large set of values. यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ा collection है values का और आप चाहते हो कि उसमें से कोई भी value एक pick कर ले और वो प्रेडिक्टेबल ना हो, मतलब वो कोई भी वैल्यू हो सके. ठीक है, फॉर एग्जांपल गेटिंग स्क्रीन पोजीशन एक्स एंड वाई फ्रॉम अवेलेबल रेजोल्यूशन और गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 1 to 100. मान लीजिए मैं एक स्क्रीन सेवर बना रहा हूँ और जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर कहीं भी रैंडमली डिस्प्ले होती रहे, कभी इस साइड कभी उस साइड, या कोई भी हम एक जो है गेम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कोई भी एक नंबर हमें मिल जाए गेस करने के लिए, जो यूज़र गेस कर सके इसके और इसके बीच में कोई नंबर गेस कर सके, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम नंबर विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल. रैंडम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब हर एक रैंडम नंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो जो सक्सेसिव नंबर उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा. इट इज़ मोस्टली यूज विद गेमिंग एप्लीकेशन एनिमेशन, गेम्स वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे लूडो गेम है तो आप उसमें डाइस फेंकते हो तो कौन सा नंबर आएगा वो पता नहीं होता है. ठीक है, या स्पिन द व्हील होता है जिसमें आप इस व्हील को स्पिन करते हो, फिर वो किस पे जाके रुकेगा वो हमें नहीं पता होता है. तो ऐसे तमाम बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पर हमें रैंडम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है कि हमें कोई चीज़ पता ना हो और वो ऑटोमेटिकली कोई भी एक वैल्यू क्या करे पिक कर ले. जैसे आप हैंगमैन गेम है तो उसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसमें से आप रैंडमली कोई एक वर्ड पिक कराओगे और यूज़र से उसको कहोगे गेस करने के लिए. अब पाइथन में रैंडम नंबर को जनरेट कर कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो पाइथन के पास एक मॉड्यूल है रैंडम नाम का, जिसमें हम जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे रैंडम नंबर्स को जनरेट करेंगे. रैंडम नंबर का मतलब होगा कि आप उसमें एक रेंज दोगे, उस रेंज से वो कोई भी नंबर क्या करेगा पिक करेगा. इसके लिए हमें रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम, और उसमें तीन फंक्शंस होंगे हमारे पास, एक है रैंड इंट, एक है रैंड रेंज और एक है रैंडम. ठीक है, तो सबसे पहले रैंड इंट के बारे में देखते हैं. जैसा कि नाम बता रहा है रैंड इंट मतलब रैंडम और इंटीजर, यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर रैंडम नंबर क्या करेगा आपको जनरेट करके देगा. इसका फॉर्मेट है रैंड इंट एक्स कॉमा वाई, यानी आप इसमें दो वैल्यू दोगे एक्स और वाई, एक्स आपकी लोवेस्ट होगी और वाई आपकी हाईएस्ट होगी, और ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव होती है. यानी जब ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा तो इसमें एक्स और वाई भी आएगा. जैसे अगर आपने रैंड इंट 10, 100 लिखा है तो जो भी रैंडम नंबर वो पिक करेगा 10 और 100 के बीच में, उस रैंडम में 10 भी आ सकता है और 100 भी आ सकता है और इसके बीच का नंबर भी आएगा. मतलब रैंड इंट में दोनों वैल्यू इंक्लूसिव रहेगी, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसमें 10 और 100 भी क्या होगा इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग करके देखते हैं. तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोड बना रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे 5 बार रैंडम को जनरेट कराएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम करेंगे और यहाँ पर एक लूप चला देंगे जो 5 टाइम्स चलेगा, मतलब जो हमारा रैंड इंट फंक्शन है वो 5 बार चलेगा. फॉर आई इन रेंज, और हमने यहाँ पर लिख दिया 5, और इसके अंदर हमने क्या किया एक वेरिएबल लिया और उसमें लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट. रैंडम तो आपका मॉड्यूल हो गया, उसके थ्रू हमने फंक्शन कॉल किया रैंड इंट और लिखा 50, 100, यानी 50 से 100 के बीच का और 50 और 100 को लेते हुए. ठीक है, फिर हमने उसको जनरेट कराया, उसको प्रिंट कराया. अब इसको रन करते हैं तो ये लूप 5 बार चलेगा, तो इसका मतलब है कि रैंड इंट फंक्शन 5 बार चलेगा और 5 बार आपको एक रैंडम नंबर क्या करेगा पिक करेगा. ठीक है, जैसे आप 90 और वो दोबारा भी 90 ले लिए बिकॉज इट्स अ रैंडम, फिर 71, 74 इस तरीके से. अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा एक बार चलाते हैं और फिर देखते हैं इस बार वो क्या नंबर जनरेट करके दे रहा हमें. इस बार 78, 52, 50, देखिए 50 यहाँ दिख रहा है. इसका मतलब है कि जो मैंने एक्स और वाई यानी कि 50 और 100 दिया था उसमें 50 इंक्लूसिव यानी रैंडम में 50 भी आएगा. इसको हम बार बार चलाएंगे तो कभी ना कभी 100 भी क्या करेगा वो दिखाएगा. जैसे आप लूडो खेल रहे हो तो आप डाइस फेंक रहे हो, कभी 1, कभी 3, कभी 4, कभी 6, कभी फिर 1, कभी फिर 1, तो ये इट्स अनप्रेडिक्टेबल वो कौन सा नंबर प्रेडिक्ट करेगा. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा गेम बना के दिखाता हूँ. ठीक है, रैंडम के थ्रू जो छोटे बच्चों के लिए किड्स के लिए, मान लीजिए आप बच्चों के लिए एक एडिशन का एक गेम बनाना चाहते हो जिसमें स्टूडेंट क्या करेगा 2 नंबर के सम को बताएगा. मतलब हम जो बच्चे होंगे उनके लिए हम रैंडमली 2 नंबर देंगे और बच्चों को उसको टोटल लिखना होगा. ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम किया, और रैंडम करने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो गेम होगा ये 5 नंबर्स मतलब बच्चों से ऐड कराएगा, ठीक है। तो यानी 5 बार चलेगा, 5 नंबर्स वो ऐड कराएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर आई इन रेंज 5। ये आप वाइल लूप लगा दो तो आप यूज़र के ऊपर छोड़ दीजिए कि यूज़र जितनी बार चलाना चाहे या आप जितनी बार चलाना चाहो। तो ऊपर मैंने दो वेरिएबल और ले लिया, करेक्ट इक्वल्स टू 0 और इनकरेक्ट इक्वल्स टू 0। ये दो वेरिएबल इसलिए लिए ताकि जो बच्चा आंसर करेगा तो उसने कितने आंसर सही किए कितने गलत किए उसकी काउंटिंग भी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा नम वन इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,100 और नम टू इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,100। मतलब हम रैंडम नंबर दो बार जनरेट कराएंगे। पहली बार जो जनरेट होगा 1 से 100 के बीच में वो नम वन में जाएगा और दूसरा जो जनरेट होगा वो नम टू में जाएगा। अब ये कौन से दो नंबर होंगे हमें भी नहीं पता बिकॉज वो रैंडम है, और इसका जो जनरेट होकर के नम वन और नम टू में आएगा उसको हमने ऐड कर लिया, यानी जो ओरिजिनल रिजल्ट है जो एक्चुअली रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, इन दोनों का टोटल क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, जो दो नंबर हमने जनरेट किए वो हम बच्चों को दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, प्रिंट नम वन, यानी जो पहला नंबर जनरेट हुआ उसके बीच में प्लस प्रिंट करेगा, फिर दूसरा नंबर दिखाएगा उसके बीच में इक्वल्स टू प्रिंट करेगा, और फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि इतना चीज़ प्रिंट करने के बाद कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बच्चों से पूछ लेंगे, बच्चों की अपना आंसर आप डालिए, ठीक है, यानी उस जो स्टूडेंट का या बच्चों का हम लोग इनपुट ले लेंगे कि आप अपना आंसर बताइए। ऊपर हम एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि राइट योर आंसर आफ्टर इक्वल्स, यानी इक्वल साइन के बाद, बिकॉज हमने प्रिंट में इक्वल दे रखा है तो जिससे बच्चों को पता रहेगा कि इक्वल के बाद उसको अपना आंसर डालना है। तो एक्चुअल आंसर हमने ऑलरेडी रिजल्ट में निकाल रखा है, यहाँ पर हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आप अपना आंसर बताइए, बच्चों से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे ने जो आंसर दिया है और जो रिजल्ट निकला है पहले से, उन दोनों को मैच करा लेंगे। क्या बच्चे ने जो आंसर दिया है जो एक्चुअली रिजल्ट है क्या वो मैच करता है? अगर मैच करता है तो करेक्ट में हम 1 बढ़ा देंगे, और अगर मैच नहीं करता तो हम इनकरेक्ट को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये 5 बार ये प्रोग्राम चल मतलब लूप चलेगा आपका, और हर बार वो दो रैंडम नंबर उठाएगा 1 से 100 के बीच में, उसको प्रिंट करेगा, बच्चे से रिस्पांस लेगा और कंपैरिजन करेगा, और करेक्ट और इनकरेक्ट को काउंट करता जाएगा। जब ये 5 बार हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि भाई टोटल करेक्ट आंसर आपका करेक्ट में है और टोटल इनकरेक्ट आंसर आपका इनकरेक्ट में है। और हम चाहें तो स्कोर भी दिखा सकते हैं कि जितना भी करेक्ट उसने आंसर दिया है आउट ऑफ 50 उसके कितने आंसर, उसको इंटू 10 करके हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट स्कोर इज, और स्कोर कितना है, जितना भी करेक्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आंसर है तो 20, 3 आंसर है 30, और इसके साथ हम लोग आगे आप कर सकते हैं कि जो आपको आंसर आया है वो कितने में से आया था, डिवाइडेड बाई 50, यानी जितना भी आंसर आएगा बाई 50, तो ओवरऑल उसको पता चल जाएगा कि मेरे 50 में से कितने स्कोर आए, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 आंसर सही कर देंगे और 1 आंसर रॉन्ग कर देंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही। जैसे पहला आंसर आ रहा है 25 + 3, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 28, ठीक है। दूसरा आ रहा है 10 + 51, तो ये भी आसान सा है, सम आ रहा है। तो इस तरीके से 1 से 100 हमने दे रखा है, तो 1 से 100 के बीच का ये नंबर वो जनरेट करेगा, ठीक है। इस बार हमने कुछ गलत लिख दिया, रेंडमली ऐसे कुछ भी लिख दिया, हमने भी रेंडम आंसर डाल दिया, हमें भी नहीं पता। अब टोटल करेक्ट कितने हैं 4, इनकरेक्ट कितने हैं 1, और आपका स्कोर कितना है 40/50, क्योंकि 4 आंसर आपने सही दिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने रैंडम की हेल्प से एक छोटा सा गेम बनाया जो छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पर वो एडिशन। अब इसी गेम को आप थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हो कि कभी एडिशन पूछे, कभी वो मल्टीप्लिकेशन पूछे, कभी वो सब्ट्रैक्शन पूछे। तो इसके लिए भी आप क्या करो, ऑपरेटर्स जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसको एक लिस्ट में डाल लो, और फिर रैंडमली उस लिस्ट की रेंज से एक ऑपरेटर उठाओ और उसको प्रिंट करा दो, तो जिससे ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। कभी वो एडिशन पूछेगा, कभी सब्ट्रैक्शन पूछेगा, कभी मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, तो प्रोग्राम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब लेवल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये लेवल आप इसको 1 रख लो, फिर लेवल 2 में मान लीजिए प्लस और माइनस दोनों आने लगे, लेवल 3 में प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ जाए, तो आप लेवलिंग भी कर सकते इसी तरीके से गेम की। तो आप इस रैंडम की हेल्प से आप इस तरीके से प्रोग्राम आप बना करके गेम टाइप का प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। ये हमने बताई दिया आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। इससे आप हैंगमैन गेम भी बना सकते हो,
वैसे गेम तो सारे गेम में रैंडम का यूज़ होता है, लेकिन जो बेसिक बिना ग्राफिक्स के जो प्रोग्राम्स है वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चला के देख चुके हैं, अब आते हैं रैंड रेंज पर। तो रैंड रेंज फंक्शन में देखिए रेंज वर्ड आ रहा है, और रेंज वर्ड हमने ऑलरेडी फॉर लूप में देखा था कि जब रेंज का यूज़ करते हैं तो जो अपर रेंज होती है उससे एक माइनस वन हो जाता है, यानी अगर हमने लूप चला रखा है 10 तो वो 9 तक चलेगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा, रेंड रेंज फंक्शन भी एक दिए गए रेंज में लूप को रैंडम नंबर को जनरेट करके देगा, बट इसमें तीन वैल्यूज़ पास कर सकते हैं हम लोग, एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप, ठीक है। स्टार्ट मतलब कहाँ से शुरू करना है, स्टॉप मतलब कहाँ तक जनरेट करना है, और स्टेप का मतलब कितना गैप छोड़ के रैंडम नंबर को जनरेट करना है, जो कि रैंड इंड में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप जो होगा वो स्टॉप आपका हमेशा माइनस वन होगा, यानी कि अगर आप 80 दे रहे हो तो वो 79 तक जनरेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है, इस बार भी वही 5 बार का लूप चलाया है और लिखा है रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,30। तो हमें पता है कि ये 1 से 29 के बीच का नंबर क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, 30 तक नहीं जाएगा, 29 तक ही जाएगा। तो जैसे नीचे देखिए, मैंने इस प्रोग्राम को 3 बार चलाया, तीनों बार 5 बार वो रैंडम नंबर दिखा रहा है, और इसमें कहीं पर भी आपको 30 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 30 तक वो नहीं जाएगा, वो 29 तक ही जाएगा। अब जो इसका दूसरा पैरामीटर होता है उसको देख लेते हैं, कॉमा 2, यानी लूप वही लिखा हुआ है, रैंडम रैंड रेंज वही लिखी हुई, बस आगे 2 लगा है, मीन्स 1 से लेके 29, क्योंकि 2 का गैप है तो वो तो 29 है ही है। तो जो इसमें सेट बनेगा, जो जिसमें वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, देखो शुरू 1 से कर रहे हैं और गैप 2 का, यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 से लेके 29 तक के बीच का जो नंबर होगा उसी में से वो नंबर क्या करेगा, जनरेट करके देगा। आप तीनों आउटपुट में देखिए, ऑड में सारे आउटपुट आ रहे हैं, इसमें कहीं पर भी इवन में आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं और गैप 2 का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके का नंबर आएगा, यानी कि सारे ऑड नंबर्स में ही वो क्या करेगा, नंबर को पिक करेगा, ठीक है। अब है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन के बारे में देखिए, इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर जनरेटर, मतलब ये फ्लोट में वैल्यूज़ को जनरेट करेगा, जिसकी मिनिमम 0.0 होगी और जो हाईएस्ट होगी वो लेस देन 1 होगी, यानी 1 से कम का कोई भी नंबर वो क्या करेगा, 0 से जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ छोटा सा कोड मैंने लिखा है, इम्पोर्ट रैंडम, और फिर हमने एक रैंडम डॉट रैंडम करके हमने नंबर जनरेट किया और उसको प्रिंट कराया, तो जो मेरा आंसर आ रहा है देखिए 0.08 ऐसे करके कुछ नंबर, वो फ्लोटिंग नंबर क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है। अब इस रैंडम फंक्शन से क्या हम एक रेंज में नंबर को जनरेट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बस के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है, आपको जब भी एक रेंज में जनरेट करना होगा तो आपको लिखने का तरीका होगा कि लोअर रेंज प्लस रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे इनटू अपर रेंज माइनस लोअर रेंज, इस फॉर्मेट में हम लोग उसको देंगे। जैसे अगर आपको मान लीजिए रैंडम जनरेट करना है 10 से 50 के बीच में, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा लोअर क्या है, 10, तो 10 प्लस, ठीक है, फिर रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे इनटू, और अपर क्या है 50, और फिर माइनस क्या है 10, तो इसका मतलब 40, यानी अंदर आपको 40 देना है। इसका मतलब है कि 10 से लेके 49 के बीच का कोई भी नंबर वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, क्योंकि 0. जो आपका 0.0 से 1.0 तक था तो लेस देन 1.0 था, तो पूरा वहाँ तक नहीं जाएगा। अब जैसे इसको हमने जनरेट कराना है, सेम वही चीज़ हमने लिखा, 5 बार चलाया और हमने लिखा x इक्वल्स टू 10 प्लस रैंडम डॉट रैंडम और इंटू 40 करा दिया, तो 10 से लेके 49 के बीच का, यानी कि आप 50 आप बिटवीन बोल सकते हो, 10 से 50 के बीच का नंबर क्या करेगा, जनरेट करेगा। पिछले वाले आंसर में फ्लोट में आ रहा था, यहाँ पर आप देखिए इसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है अब वो इंटीजर में आ रहा है। पहले वो आंसर आपका फ्लोट में आ रहा था, इस बार आपका आंसर इंटीजर में आ रहा है, क्योंकि हमने इंट से उसको टाइप कास्ट कर दिया। तो हमने देखिए तीनों फंक्शन से आपको बताया, एक रैंडम डॉट रैंड इंट उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन में भी रैंडम डॉट रैंड इंट ज़्यादा आता है, रैंड रेंज के बारे में भी डिस्कशन किया, और आपसे हमने रैंडम डॉट रैंडम का भी डिस्कशन आपसे किया, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को, कैसे रैंडम के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में देखते हैं। हम तीन क्वेश्चन के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा देखिए रैंडम के ऊपर, उसमें दो चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला चीज़ आपसे पूछा जाता है कि आप
जो कोड लिखा हुआ उसका आउटपुट बताइए, मतलब उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको जो आंसर में होगा एक आउटपुट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आउटपुट्स तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन करेक्ट आंसर। दूसरा चीज पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की जिसमें हमारा जो रैंडम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आसान होता वन मार्क्स का, तो यहाँ पर नम की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो नम में यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, रैंडम डॉट रैंड इंट 1,3। तो इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैंड इंट फंक्शन जो होगा ये आपको जनरेट करता है इंक्लूसिवली जो वैल्यू दी हुई, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट मिनिमम वैल्यू विल बी 1 और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 3। तो इससे यहाँ पर पता चल गया कि जो नम होगा नम की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आउटपुट निकालते हैं, तो आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो जो लिस्ट आपको दी गई उस लिस्ट के ऊपर आप हर एक वैल्यू के ऊपर इंडेक्स लिख लीजिए, ठीक, सॉरी 0, 1, 2 और 3, ठीक है। और नम की जो तीनों पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख लीजिए कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और सेलेक्टेड हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हम पिक करते हैं 1 को, कि हम 1 को लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से अगर प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो हमारा फॉर का जो लूप चल रहा है, फॉर आई इन रेंज नम, तो नम तो हमने इसमें क्या माना हुआ 1, तो यानी आई का जो लूप चलेगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉमा 0-1, यानी कि ये जो माइनस में चल रहा है लूप, तो 0 लिखा हुआ यानी कि 1,1, यानी लूप एक बार चलेगा। तो प्रिंट यहाँ पर क्या होगा देखिए, जो अंदर लूप में क्या लिखा हो, सेलेक्टेड इक्वल्स टू सेलेक्टेड, जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें क्या जोड़ेगा, लैंग्वेजेस ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी इस समय है 1, तो और 1 पर हमारा कौन सा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर, जावा, यानी सेलेक्टेड की वैल्यू क्या हो गई है, जावा, ठीक है, यानी सेलेक्टेड की वैल्यू हो गई है जावा और आपका लूप खत्म हो गया और प्रिंट किया सेलेक्टेड, यानी आउटपुट सिर्फ आएगा अगर 1 रखेंगे तो आउटपुट में सिर्फ आएगा जावा, तो इसमें से कोई भी आउटपुट हमारा मैच नहीं कर रहा, यानी 1 के साथ हमारा आउटपुट नहीं आएगा। अब हम लोग रखते हैं 2 को, ठीक है, इस बार हम लोग कहते हैं कि हमारा जो नम है वो हमारा है 2, ठीक है। तो हमारा जो फॉर का लूप चलेगा आई का वो नम से शुरू होगा यानी 2 से शुरू होगा, और इस बार भी 2 पे चलेगा और 1 पे चलेगा। तो हमें कोड को देख के पता चल रहा है कि जैसे आई की वैल्यू 2 होगी तो जो सेलेक्टेड होगा उसमें लैंग्वेजेस ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, यानी C++ उसमें जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, फिर 1 पे आएगा तो उसमें जावा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी अगर हम इसको 2 रखते हैं तो हमारा जो कॉन्कैटिनेशन होगा वो होगा C++ होगा और फिर जावा होगा। तो हमारे पास इसमें भी ऐसा कोई आउटपुट नहीं जो इसमें आएगा, क्योंकि इसको प्रिंट रिसीव करना है, तो C++ और जावा के साथ कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग रखते हैं नम की वैल्यू को 3, ठीक है, नम की वैल्यू रखते हैं 3, और 3 रखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस बार आई के जो लूप स्टार्ट होगा नम से, यानी 3 से शुरू होगा, 3 का मतलब लिस्प से शुरू करेगा, तो 3 से 1 चलेगा यानी कि लिस्प आएगा, C++ आएगा और जावा आएगा, तो लिस्प C++ जावा, देखिए ये आउटपुट हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, लिस्प C++ जावा। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, यानी दिस इज आर करेक्ट आंसर। सो कैसे आपने ध्यान में देखो, मैंने आपको बताया कि आपका जो रैंडम से जनरेट हो रहा है उसमें हर एक वैल्यू को आपको रखना है और एक एक करके सबसे निकालना है आंसर, जो जो मैच करता जाए उसको आप टिक करते जाइए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में हमने निकाला तो हमारा करेक्ट आंसर ये निकल के आया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसमें भी देखते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जो आउटपुट निकालना होगा उसी में ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, इसमें भी क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जब प्रोग्राम चलेगा तो आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आउटपुट आएगा। ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल लोअर एंड अपर, ठीक है। तो लोअर और अपर की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसे पहले बताया था, लिस्ट दी हुई है उसके ऊपर आप हर एक एलिमेंट का इंडेक्स पहले लिख लीजिए, इतना करने से आपको आउटपुट निकालने में आसानी होगी। अब लोअर है तो हमें पता है कि लोअर की जो वैल्यूज आएंगी वो 1 आएगी, 2 आएगी या 3 आएगी, इन तीनों में से कोई एक आएगी,
ये आपका मिनिमम हो गया इसका, ये हो गया इसका मैक्सिमम। तो लोअर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 है। फिर अपर है, अपर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो अपर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी यहाँ पर है, 4। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू लोअर और अपर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि लोअर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 3 और अपर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर से 1 को उठाएंगे, यानी सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि लोअर ने 1 जनरेट किया, ठीक है। तो लोअर ने 1 जनरेट किया और अपर ने, हम ये मान के चलते हैं कि अपर ने क्या जनरेट किया है, 2। यानी लोअर की वैल्यू, हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन लेंगे कि लोअर की वैल्यू 1 और अपर की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 2। और हम यहाँ पर लूप चलाएंगे फॉर के इन रेंज लोअर, लोअर यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, ठीक है। और जाएंगे अपर प्लस 1, अपर की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 प्लस 1 यानी कि ये 3। तो यानी लूप चलेगा 1 के लिए और 2 के लिए, क्योंकि माइनस 1 हो जाएगा, 1 और 2 के लिए चलेगा। तो प्रिंट क्या करेगा, ए आर ऑफ के, के का मतलब के की वैल्यू पहले कितनी आएगी, 1। तो ए आर ऑफ 1, के 1 का मतलब 30, और उसके बाद 30 आएगा, फिर हैश आएगा, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा तो 40 हैश। यानी हम इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा 30 हैश और 40 हैश। तो क्या ऐसा कोई आउटपुट इसमें है, नहीं है। नहीं, डबल जो डिजिट का आउटपुट है वो तो इसमें कहीं है ही नहीं, जो भी आउटपुट है 3 डिजिट का है, यानी ये वाला हमारा काम नहीं करेगा। अब हम लेते हैं लोअर की वैल्यू 1 ही रखते हैं और अपर की वैल्यू हम लोग रखते हैं 3। तो इस बार हमारा जो लूप चलेगा, देखिए हर एक वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो इस बार हमारा जो लूप चलेगा वो 1 से चलेगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो लूप हमारा चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, क्योंकि 4 है तो 1 से 3 चलेगा। तो प्रिंट करेगा ए आर ऑफ के यानी कि 1 2 3 को, 1 2 3 का मतलब 30 हैश 40 हैश 50 हैश। तो इसमें कोई है, यस, 30 हैश 40 हैश 50 हैश। तो यानी ये हमारा एक आंसर हमको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रखते हैं 1 रखते हैं और 4 रखते हैं। तो 1 और 4 रखने का मतलब है कि 1 और 4 प्लस 1 5, यानी 1 2 3 और 4। तो हमें पता है कि जब ये लूप चलेगा तो 4 वैल्यू देगा, तो 4 वैल्यू के यहाँ तो कोई आउटपुट है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा 1 हमने लिया और नीचे के तीनों कॉम्बिनेशन बिठाए तो 1 से हमारा मिला, 3 से हमको आंसर मिला। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर वाले ने 1 जनरेट नहीं किया बल्कि लोअर की वैल्यू 2 आती है अगर, ठीक है। हम ये लोअर की वैल्यू 2 रखते हैं तो अपर कहाँ से शुरू होगा, 2 से। तो अपर अगर 2 से शुरू होगा तो 2 से 2 यानी कि प्लस 1 कर रहे हैं तो वहाँ 2 हो जाएगा, यानी इससे सिंगल आउटपुट आएगा, तो कोई फायदा नहीं इसको चेक करने से। और अपर की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 2 आउटपुट आएगा, तो वो भी इसमें कुछ नहीं है। अब अपर की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। तो यानी हमारा जो k का लूप चलेगा, यानी ये वाला लूप जो चलेगा वो चलेगा 2 से 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 मतलब 5। तो यानी जो लूप चलेगा वो चलेगा 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो 2 3 4 यानी 40 50 60 का यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो यानी ये भी नहीं होगा, यानी 2 के साथ हमने सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए, ठीक है। 2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं 3 के साथ, ठीक। 3 और 2 के साथ कोई आउटपुट आने का कोई चांस ही नहीं, 3 और 3 के साथ भी कोई चांस नहीं है, 3 और 4 के साथ भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि 3 और 4 में ये डबल आउटपुट, 2 डिजिट का आउटपुट आएगा। तो यानी हमारा इसमें केवल एक ही आंसर सही है, दैट इज 30 हैश 40 हैश और 50 हैश। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर है। आपको सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, देखिए फिर से समझ लीजिए। दो वेरिएबल अगर रैंडम जनरेट हो रहा है तो पहले ऊपर वाले से आप 1 लीजिए और इसको सारे के साथ कॉम्बिनेशन बिठाइए। जब ये पूरा हो जाए तो फिर यहाँ से दूसरा उठाइए और फिर इससे सारे कॉम्बिनेशन बिठाइए। जब ये पूरा हो जाए तो फिर यहाँ से तीसरा उठाइए, फिर इससे सारे कॉम्बिनेशन बनाइए। तो इस तरीके से आप चलाएंगे तो चाहे आउटपुट में एक आंसर सही हो चाहे दो आंसर सही हो, सारे आंसर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और
जो चीज़ें जो शॉर्टकट में याद रखना है वो ये है कि जो भी आंसर आ रहा है देखिए वो तीन वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है, तो जो भी हमारा लूप बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए जो तीन बार चले। तो जैसे 1, 2, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि तीन बार कोई भी तीन वैल्यू आनी नहीं थी प्रिंट होने के लिए। ठीक है, 1, 3 तो हमें पता है कि 1, 3 का मतलब है कि तीन वैल्यू देगा, तो इसको चेक करना है। 1, 4 इसमें चार बार अगर लूप चलेगा तो चार वैल्यूज प्रिंट होंगे, तो इसको चेक नहीं करना। तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, केवल उसी लूप को फोकस करना है इसमें जिस लूप में आपका जो आइट्रेशन है वो तीन बार हो रहा होगा, बाकी किसी को चेक ही नहीं करना है हमें। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि चारों आउटपुट जो नीचे दिए हैं इसमें से करेक्ट आउटपुट कौन सा होगा। ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल काउंट। तो काउंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो काउंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें रैंड इंट है, तो 0,3 का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मिनिमम हो गया 0 और मैक्सिमम हो गया आपका 3। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पहले सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है CBSE ऑनलाइन। ठीक है, तो सबके नीचे इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और हमने एक वेरिएबल लिया सी जिसकी वैल्यू क्या रखी है, 9। यानी अगर हम इसमें अपने टेक्स्ट में देखें तो जो सी है वो ई को पॉइंट कर रहा है, यानी 9th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए बता दिया। वैसे तो सी इक्वल्स टू 9 का मतलब सी में 9 है। फिर हमने यहाँ पे लूप चलाया वाइल टेक्स्ट ऑफ सी, अब सी की वैल्यू कितनी है, 9। और हमारे स्ट्रिंग में चेक करें कि जब तक हमारे स्ट्रिंग के 9th इंडेक्स की वैल्यू एल के इक्वल ना हो, तो हमारे पास 9th इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए सॉरी ई पड़ी हुई है, तो ई इज नॉट इक्वल्स टू एल, तो लूप चलेगा और आप प्रिंट करने आओगे और प्रिंट करोगे टेक्स्ट ऑफ सी। टेक्स्ट ऑफ सी का मतलब ई को प्रिंट करेगा, ई कॉमा टेक्स्ट ऑफ काउंट। तो काउंट हम ये मान के चलते हैं कि काउंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चारों में से कोई भी आ सकता है तो हम इस समय 0 मान के चल रहे हैं, सबसे पहले 0 को लेके चलेंगे। तो ई यहाँ पर प्रिंट कर दिया उसने ई, और टेक्स्ट ऑफ काउंट का मतलब है सी, यानी कि ई और सी और उसके बाद स्टार। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट आगे बढ़ गया क्योंकि अगर हमें 0 माना है तो अगली बार काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और सी हो जाएगा -1। तो सी की वैल्यू कितनी थी, 9, तो हो जाएगा 8। यानी हमारा जो काउंट है वो 1 पर आ गया है और सी हमारा n पर आ गया है। ठीक है, एक माइनस हो गया और ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारे सी पोजीशन पर क्या नहीं हो जाएगा, l नहीं हो जाएगा। तो सी पोजीशन पर इस समय क्या है, n है। तो इस बार क्या प्रिंट करेगा, टेक्स्ट ऑफ सी यानी कि n को प्रिंट करेगा और उधर से b को प्रिंट करेगा, फिर स्टार, फिर काउंट आगे बढ़ जाएगा यानी एस पर आ जाएंगे और ये इस पर आ जाएंगे, आई पर आ जाएंगे, तो प्रिंट करेगा आई और एस स्टार। ठीक है, इतना होने के बाद आपका जो सी है वो एल पर आ जाएगा और ये ई पर आ जाएगा, और जैसे ही सी हमारा एल पर आएगा लूप हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी 0 रखने के बाद, 0 रखा तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या इसमें से कोई ऐसा है, ई सी स्टार एन बी स्टार आई एस, ये है। तो ये एक आंसर मिला, अभी एक पॉसिबिलिटी हमने चेक करी। ठीक है, अब दूसरा लेके चलते हैं हम लोग, कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 1 आया। ठीक है, 0 पे हमने चेक कर लिया। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं काउंट की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 9, तो सी यहां पर ऑलरेडी है ही है 9 पर, तो जब तक एल नहीं होगा लूप चलेगा और हमारा जो जो काउंट है वो 1 है, यानी कि काउंट हमारा जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, बी पर होगा क्योंकि 1 यहाँ पर है। तो जब तक टेक्स्ट का सी एल नहीं होगा तो वो तो ऑलरेडी एल नहीं, क्योंकि ई से ही शुरू कर रहा है, 9 से शुरू कर रहे हैं। प्रिंट करेगा टेक्स्ट ऑफ सी यानी ई को प्रिंट करेंगे, यानी आप इसमें से देख लीजिए ऐसा कोई भी आउटपुट जिसमें शुरू ई से हो रहा है वही आपका सही आंसर होगा। यानी ये तो आपके वैसे ही रॉन्ग हो गए, ये आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब बचा है इसको चेक करना मेन। ठीक है, क्योंकि पहला जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है वो ई ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट ऑफ सी प्रिंट करना है, टेक्स्ट ऑफ 9 को प्रिंट करना है, तो पहला कैरेक्टर ई ही प्रिंट होगा। फिर टेक्स्ट ऑफ काउंट स्टार, तो काउंट हमारा क्या है, 1 है, तो बी को प्रिंट करेंगे ई बी स्टार, क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है, बी। फिर आगे बढ़ेंगे
तो अगली बार काउंट काउंट अब यहाँ से काउंट बढ़ जाएगा, टू पे हो जाएगा, तो एस पे आ गया और ये एन पर आ गया, यानी कि एन एस होगा, फिर स्टार, फिर आपको पता है कि आई एस होगा, इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ई बी, तो ई बी जैसा कोई आउटपुट है ही नहीं, मैं आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ई बी हमारा आ रहा है तो वो हमारा कुछ आंसर होना नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है कि रैंड एंड की वैल्यू आती है टू, ठीक, तो यानी काउंट हमने टू माना, तो काउंट को हमने टू माना, तो सी हमेशा तो यहीं से चल रहा है, तो लूप चलेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, टेक्स्ट ऑफ सी यानी कि ई को प्रिंट करेगा, और काउंट की वैल्यू टू ली यानी एस से, तो ई एस, ठीक है, स्टार, वो फिर इसके बाद एन पर आ जाएंगे और इसमें ई पर आ जाएंगे, क्योंकि काउंट बढ़ रहा है और जो सी है वो घट रहा है, इसके बाद आ जाएगा एन ई, ठीक है, स्टार, फिर आ जाएंगे आई ओ स्टार, और इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। तो क्या ये आउटपुट है, इसमें है, तो दोनों आउटपुट आपको मिल गए, तो इसका मतलब अब आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम रैंडम के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रैंडम में जो भी चीज़ जनरेट हो रही है, आपको हर एक के साथ कॉम्बिनेशन यूज करना है और उसको सॉल्व करना है।